सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृतमय देशना श्री कमलगति सिद्धांतनाथ जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी हमें आत्म साधना का मार्ग बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जीव कैसे इन अज्ञान मान्यताओं से छूट के, इन अज्ञान कर्मधाराओं से छूट के जीव कैसे अपने आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्रकट कर सकता है। देखिए, बात तो आत्मज्ञान की ही, क्योंकि जब तक जीव के पास अज्ञान है, अर्थात जब तक जीव वस्तु के स्वभाव को नहीं जानता, तत्व की दृष्टि करना नहीं जानता, तब तक, जब तक उसमें अज्ञान है, तब तक उसका संसार परिभ्रमण क्षीण होने वाला नहीं। ये बात तो अपने को बिल्कुल 100% स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? कि जब तक जीव के पास अज्ञानता है, अज्ञान मतलब अंधेरा, अंधेरे का नाम अज्ञान है, अंधेरे का नाम अज्ञान। तो क्या कह रहे हैं चरण स्वामी कि जब तक जीव के पास अज्ञान है, अज्ञानता है, जब तक जीव अज्ञान परिणामों में डूबा हुआ है, अज्ञान परिणामों का स्वीकार कर रहा है, जब तक जीव के पास अज्ञान है तब तक ही उसका अनंत संसार है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता जीव को भटकाती है, अज्ञानता जीव को भ्रमित करती है नाना प्रकार के राग परिणाम में, देश परिणाम में, कर्तृत्व बुद्धि में, भोक्तृत्व बुद्धि में, ये नाना प्रकार के अशुद्ध परिणाम में जीव को परिभ्रमण कराने वाली अज्ञानता ही है। जीव अपने कह रहा ना, अनादिकाल से चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर रहा है, 84 लाख योनियों भटक रहा है। तो क्यों भटक रहा? कारण अज्ञान, अंधकार ही एक ऐसा कारण है, अज्ञानता ही एक ऐसा कारण है जो जीव को अपने चैतन्य स्वभाव का बोध नहीं होने दे रहा। और अज्ञान मानताओं मतलब ये मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, ये दुनियादारी की व्यवस्था मैं चला रहा हूँ, ये संसार का सारा परिमल मेरे द्वारा संचालित हो रहा है, इन अज्ञान मानताओं कारण से जीव को अपनी स्वशक्ति का बोध नहीं आ रहा। अपने को जीव आत्मा है कि नहीं? इस जीव को अपनी स्वशक्ति का बोध नहीं आ रहा, अनुभव प्रमाण सिद्ध नहीं हो रहा। क्या अनुभव प्रमाण सिद्ध नहीं हो रहा? कि देखो तो जिस स्वभाव की महिमा, जिस वीतराग स्वरूप की महिमा हम जिनवाणी में सुन रहे हैं, वो वीतराग स्वभाव और कोई नहीं, वो वीतराग स्वभाव मेरे ही है, वो अनंत चतुष्टय का धारी, वो वीतराग स्वभाव वो मेरा ही है, ये अनुभव में नहीं आ रहा। तो कहने में तो अच्छा लग रहा है कि हम ज्ञायक स्वरूपी आत्मा है, हमारा पर पर्याय परिणमन से कोई लेना देना नहीं, ऐसा चर्चा करने में तो अच्छा लग रहा है। और यदि अपन ऐसा चिंतन भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं और ऐसा अपन चिंतन भी कर रहे हैं, देखो ये शरीर आदि भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूँ, ये शरीर आदि भिन्न है मैं आत्मा भिन्न हूँ, यदि अपने को ऐसा बार बार आत्मा का स्मरण भी आ रहा है, तो जीवात्मा यदि ऐसा अपन बार बार स्मरण भी कर रहे हैं, तो एक बात बताओ कि ऐसा स्मरण करते समय भी क्या अपनी दृष्टि उस चैतन्य तक पे जाकर रुक रही है कि नहीं रुक रही? स्मरण भी कर रहा कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा राग में, देश में, परिवार के काम में, दुनियादारी कर्मधारा में अपन बार बार याद भी कर लेते हैं, देखो ये सब परिणमन है, ये संसार की धारा है। लेकिन एक बार बताओ, ये स्मरण करने के बाद भी, स्वभाव का स्मरण करने के बाद भी क्या अपनी दृष्टि उस स्वभाव पर जाकर रुक रही? क्या दृष्टि उस स्वभाव को, उस परिपूर्ण चेतना को जाकर पकड़ रही? स्मरण भी कर ले रहा, देखो भैया आत्मा अलग है और शरीर अलग, ऐसा स्मरण भी कर रहा हो, ऐसा बोल भी रहे हो, ऐसा पढ़ भी रहे हो, स्वाध्याय भी कर रहे हो, चिंतन भी कर रहे हो, लेकिन जीवात्मा ऐसा कहते समय, ऐसा सुनते समय, ऐसा बोलते समय क्या तेरी दृष्टि उस स्वभाव पे जाके, उस स्वभाव में जाके एकमेक हो रही? उस स्वभाव पे है, कहना बात अलग, मैं आत्मा हूं ऐसा स्मरण करना बात अलग है, लेकिन आत्मा पे दृष्टि होना बात बिल्कुल अलग। यदि उस आत्म स्वभाव पे दृष्टि हो तो फिर परपर्याय, फिर उस परपर्याय में लीनता नहीं हो सकती, उस परपर्याय में डूब नहीं सकता, फिर वो परपर्याय ठहर नहीं सकती। यदि आत्मा पे दृष्टि होगी
तो राग आदि विकारी भाव की जो रीन है ना, राग आदि विकारी भाव की जो रीन चल रही है, राग आदि विकारी भाव जो चल रहा है, उन राग आदि विकारी भाव की रीन ठहर नहीं सकती। कब नहीं ठहर सकती भैया? यदि अपने आत्म स्वभाव पर अपनी दृष्टि हो तो नहीं ठहर सकती। और जीवात्मा यदि अपने आत्म स्वभाव पर अपनी दृष्टि ना हो तो जगत का कोई भी कुछ भी कर लो, कोई भी शक्ति आपको उस क्या बोलते हैं चैतन्य मात्र का अमृत नहीं पिला सकती। देखो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। देखो देखो अपन बहुत सरल करने की कोशिश कर रहा है। अज्ञान का क्या काम है? अज्ञान क्या करता है? अज्ञान क्या करता है? अज्ञान आत्मा के गहरे ज्ञान स्वभाव पे पर्दा डालता ही डालता। अज्ञान क्या है? आत्मा को ढाकने वाली शक्ति का नाम अज्ञान है। अज्ञान मतलब पर पुद्गल में जो जीव का अपनापन है, पर पुद्गल की मान्यता में होने वाले परिणमन में जीव की जो नाना प्रकार की मिथ्या मानता है उसी का नाम अज्ञान है कि नहीं? अज्ञान मतलब क्या? अज्ञान कोई ऐसा थोड़ी ना कि आप उदाहरण के लिए कि आप इस बल्ब के सामने कहते थे ऐसा ही है, इस बल्ब के सामने एक कपड़ा ढक दो, मतलब अज्ञान। मतलब क्या है भैया? कि उस बल्ब की शक्ति को प्रकट होने से रोक थी। बल्ब में जो शक्ति है उसके आगे आप एक कपड़ा ढक दो तो उसकी जैसी प्रकाश में शक्ति वैसी नहीं आएगी। फिर कैसी आएगी? आवृत होके आएगी। तो वो क्या हो गया कि बल्ब के सामने आपने कपड़ा ढक दिया, इसका मतलब क्या हुआ भैया कि उस बल्ब की होने वाली प्रकट शक्ति को आपने रोक दिया, आवृत कर दिया भैया। बल्ब में जितनी सामर्थ्य थी वो प्रकट नहीं हो पा रही, बल्ब में जितनी शक्ति थी वो प्रकट नहीं हो पा रही। ऐसे भैया जीव के मन इंद्रिय विषय है ना, ये मन इंद्रिय विषय पदगत, इन इंद्रिय विषयों ने, इन मन ने, इन पांच इंद्रिय विषयों ने जीव की ऐसी चेतन शक्ति को आवृत ढाक के रख दिया भाई। ढाक के रख दिया मतलब जैसा ये जीव आत्मा है वैसा प्रकाशित नहीं हो रहा। फिर भैया कैसा प्रकाशित हो रहा भैया? ये इंद्रिय ज्ञान रूप प्रकाशित हो रहा, राग भाव रूप प्रकाशित हो रहा है, कर्तव्य भाव रूप प्रकाशित हो रहा। और ये जो प्रकाश हो रहा है ये जीव का है ही नहीं, जीव है संयोग में। जैसे कि इस बल्ब के सामने काले कलर का कपड़ा लगा दो तो प्रकाश काले कलर का दिखाई दे रहा, लेकिन क्या बल्ब का प्रकाश काले कलर का है? काले कलर का कपड़ा होने के कारण से प्रकाश की जो किरणें थोड़ी बहुत दिख भी रही हैं वो कैसी दिखाई दे रही है भैया? उसके स्वभाव से विपरीत। ऐसे भगवान आत्मा जीव की नाना प्रकार की मिथ्या मानता होने के कारण से मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही दुनियादारी की व्यवस्था चला रहा हूँ, ये सारा संयोगी परिणमन, ये सारा संयोग में होने वाला परिणमन, ये मेरे ही परिणमन है। ऐसी जीव की अज्ञान मानता होने के कारण से, ऐसी मिथ्या मानता होने के कारण से क्या हो रहा भैया? जीव ज्ञान की जगह अज्ञान भाव रूप जानने में आ। अज्ञान भाव मतलब भैया आपकी विपरीत मानता का नाम अज्ञान है। मैं जीव हूं और अपने आप को जो शरीर मान रहे हैं अपन, उस अज्ञान मानता का नाम जो अपनी मान्यता है उस मानता का नाम अज्ञान है। अज्ञान कोई दूसरी वस्तु नहीं, केवल ज्ञान की अपेक्षा से संसार का जितना भी ज्ञान है वो सब अज्ञान, चाहे वो मति ज्ञान हो, चाहे शुद्ध ज्ञान हो, चाहे अवधि हो, चाहे मनप्रिय, वो अज्ञान मतलब कम ज्ञान है। एक अज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान की अपेक्षा से आपको यदि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान हो, मनप्रिय ज्ञान, चार ज्ञान की धारी हो तो भी अज्ञान ही हो। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान की तरह नहीं जान सकते। एक तो वो अज्ञान हो गया भैया कि अपूर्णता की अपेक्षा से अज्ञान, स्वभाव तो पूर्ण है लेकिन हम जिस अज्ञान की, किस अज्ञान की बात कर रहे हैं? मिथ्या मति, मिथ्या श्रुत, जीव का जो विपरीत मान्यता रूप परिणाम है उसका नाम अज्ञान। वर्तमान में अपन जहां जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या चर्चा कर रहे हैं भैया? जीव आत्मा जो अपनी विपरीत मानता, उल्टी मानता चल रही है, उल्टी मानता चल रही है मतलब अपन वस्तु को जानते हुए भी
कि ये वस्तु कैसी है, मतलब मैं जान रहा हूँ ये घर पुत्र परिवार ये सब अजीव है, जड़ पुद्गल वस्तु है, ये शरीर आदि का परिणाम, ये सब पुद्गल का परिणाम है। अजीव को अजीव जानते हुए भी ये जीव उसे अजीव स्वीकार नहीं कर रहा, उसे जड़ स्वीकार नहीं कर रहा, तो फिर क्या कर रहा है, उसमें अपनी कर्तव्य बुद्धि लगा रहा। ज्ञान मतलब क्या, कि उस होने वाले राग आदि विकारी भाव में जो राग देश की परिणति चल रही है, उस राग देश की परिणति में अपने आप को मान रहा है, अर्थात उस परिणवन का स्वामी बनने की चेष्टा कर रहा है। जो बाहर स्वतंत्र परिणवन चल रहा है ना, इस जीव क्या कर रहा है, जो बाहर में स्वतंत्र परिणवन चल रहा है उस स्वतंत्र परिणवन का स्वामी बनने की चेष्टा कर रहा है, ये सारा स्वतंत्र परिणवन मेरे द्वारा हो रहा है, और उस परिणवन का स्वामी बनने की चेष्टा करने के कारण से क्या हो रहा भैया, ये जीव का अनादि अनंत संसार जैसा का तैसा चल। अज्ञान यही है वर्तमान में, अपन देखे अपनी भूमिका में, अज्ञान मतलब अपने अंतर में पड़ी अज्ञान मान्यता है, जो लोक में प्रचलित है, जो अनादि काल के संस्कारगत जीव को प्राप्त हुई। आज अपने को जितना भी संयोग है, जितने भी संयोग अपने को दिख रहा है, संयोगी भाव दिख रहा है, ये अपने पूर्व उपार्जित कर्म है। स्त्री पुरुष धन दुकान मकान, ये जितना भी अपने को संयोग दिख रहा है ना, ये अपना पूर्व उपार्जित पुण्य पाप है, आज का कुछ भी नहीं। जो अपन ने पहले बोया था, जो अपन ने पहले अर्जन किया था, आज वो पूरा संयोग है। देखो तो जो अपन ने पूर्व में बोया था, आज अपने को वो पूरा संयोग प्राप्त हुआ, पूर्व उपार्जित कर्म का उदय मिला। लेकिन देखो तो इस पूर्व उपार्जित कर्म के उदय में, जो पूर्व में अपन ने बांधा था, इस पूर्व उपार्जित कर्म के उदय में आप जीवात्मा सावधान, ये बताओ कि इस पूर्व उपार्जित कर्म के उदय में तुम्हें इन क्या बोलते हैं होने वाले परिणमन में कितना राग और कितना द्वेष परिणमित हो रहा, कितना राग और कितना द्वेष हो रहा। भगवान कह रहे हैं कि तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो करता हो ही नहीं। भगवंत की वाणी में क्या है कि तुम तो सिद्ध के समान ज्ञायक स्वभावी परमात्मा हो, भगवान की वाणी में यही आया ना। तो बता भैया, जब भगवान की वाणी में ये आया है कि मैं सिद्ध के समान ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूं, जब भगवान की वाणी में ये आया है कि मैं ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूं, अच्छा बता, तो अब इस होने वाले परिणवन में जो उपद्रव मचा है अंतर में, खलबली मची है, किसी खलबली मची हुई, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, जो अंतर में खलबली मची है होने वाले परिणवन में, उसका नाम क्या, जो अपने को होने वाले परिणाम में खलबली मची उसका नाम क्या, ये कर्तव्य की मान्यता और ये परिणाम को बदलने की जो बुद्धि है, इसी का नाम तो अज्ञान है जीवात्मा। और देखो तो मेरा जीव इस अज्ञान की मति में, इस अज्ञान की बुद्धि में एकमेक है, इस अज्ञान आवरण भाव में एकमेक है। और देखो तो जिनेन परमात्मा हमें बार बार चेता रहे हैं कि जीवात्मा अंतर स्वभाव का बोध जगा, ज्ञायक स्वभाव का बोध जगा, क्यों, क्योंकि पर पर्याय परिणवन में अपना कहीं कुछ भी नहीं। देखिए नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कल और कोशिश करेंगे सुधारने की, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी थोड़ी देर बाद, आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अपने को यहाँ अपनी अंतर शक्ति का बोध जगाना है। देखो एक समझ में नहीं आ रही बात अपने को, क्या कह रहा है कि अनादि काल से अनंत काल से जो मेरे जीव ने जो कर्म करे हैं उनका वर्तमान में फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जो भी अपन भोग रहा है वर्तमान में, जो भी भुगत रहा है वो अपने पूर्व उपार्जित कर्म का फल है कि नहीं। पूर्व उपार्जित होता है पर्याय में, इतना बंद बांधा कि मनुष्य पर्याय पाया, वो मनुष्य पर्याय में इतना विवेक बुद्धि के बाद इतनी बात का समझ में किस अभिप्राय, किस विशेष का, ऐसा कौन सा कर्म बना है कि जिससे जी बात जान के भी अनजान में मोहिनी का, वो पिछली पर्याय में कैसा बंद बांधा कि मनुष्य पर्याय पूर्व भाव में, यदि आप त्रियंश बने
या फिर आपने यदि किसी नियम व्रत करे तो पूर्व भाव में यदि अपने त्रियंश मतलब पूर्व भाव में आप गाय के पर्याय में रह गए तो आपने गाय के पर्याय में कोई परिग्रह नहीं घट्ट करा, दिन में चारा खाया और समता परिणाम से मरण कर दिया, तो समता परिणाम से मरे मरण किया तो सहज ही मनुष्य गति बन सकती है ना, क्योंकि अल्प आरंभ परिग्रह सहित समता भाव से यदि कोई जीव अपना मरण करे जीवन व्यतीत करे तो समता भाव से अपने जीवन व्यतीत करने से सहज ही मनुष्य गति का बल होता है। और इतना ही नहीं, मान लो पूर्व भाव में अपन ने कोई धर्म की प्रभाव न करी, या फिर अपन ने पूर्व भाव में अज्ञान सहित संयम करा, नियम लिए, नियम व्रत करे, पुण्य की क्रियाएं करी, धर्म की प्रभाव न करी, तो क्या हुआ, और अपन अल्प आरंभ परिग्रह से मरे, दया दान परोपकार ये करके अल्प आरंभ परिग्रह से मरे, तो अनंत भैया अपने को क्या कहते हैं उस पुण्य के प्रताप से आज मनुष्य गति का बंध हो गया। और देखो तो मनुष्य गति का बंध भी कहा पंचम काल में, जैन कुल पंचम काल में मतलब मिथ्यात् के काल में हुआ, अब भोग भूमि का मनुष्य नहीं बने अपन, और चौथे काल के भी नहीं बने अपन, मनुष्य बने तो कहाँ के पंचम काल, और अपन मनुष्य बने पंचम काल के। देखो तो पंचम काल में जब मिथ्या का काल है, लेकिन उसमें भी अवसर प्राप्त हुआ, एक क्या अवसर प्राप्त हुआ, मनुष्य भाव में जैन कुल मिल गया, तारण पंथ मिल गया, और गुरु महाराज की अमृत में देशना मिल गई, जो पूर्णता मिथ्या का समूल नाश करने वाली, सर्वज्ञ जिनेन भगवान की वो वाणी मिल गई जो पूर्णता से समूल मिथ्या का नाश करने वाली हुई। अब देखो तो अब आपका प्रश्न था कि कौन से कर्म का उदय, भगवान आत्मा देखो उदय तो मोहिनी कर्म का ही है, आप संसार में मोहित है कि नहीं, मिथ्या मानता अपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पर में कर्तत्व बुद्धि, पर में अपनत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि लगा रहे कि नहीं लगा रहे, तो जो पर में अपनत्व बुद्धि है, जो कर्तत्व बुद्धि है, तो उदय तो मोहिनी कर्म का ही, मोहिनी कर्म के अंधकार में ये जीव डूबा हुआ है। अज्ञान अंधकार मतलब क्या, पर से मोहित तो अज्ञान, पर में करने की मान्यता हो रही है, पर में भोगने की मान्यता हो रही है, पर प्रणवन करते हो, पर चलते हुए पर प्रणवन में उस प्रणवन को पलटने की भावना हो रही है, और सर्वज्ञ की बात स्वीकार नहीं हो रही, क्या स्वीकार नहीं हो रही कि जिस समय जिस जीव का जैसा जो कुछ होना है वो अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है, होगा और हो रहा है, जब ये बात अपने को स्वीकार नहीं हो रही मतलब क्या, अज्ञान अपना अज्ञान मोही तो पेर रहा अपने को, क्या पेर रहा है अपना भटकाव, कारण क्या है कि ऐसी शुद्ध अमृत में वाणी सुनने के बाद भी जीव आत्मा तू इस शरीर से भिन्न है, ऐसी अनमोल बात सुनने के बाद कि तू सिद्ध समान है, अरिहंत परमात्मा जैसा स्वभाव तेरा, ऐसी उत्कृष्ट बात सुनने के बाद भी आज देखो तो, आज देखो तो आज भी अपना पूर्णता चित्त इंद्रिय विषयों बाहर के परिणाम में लगा हुआ है, इतनी उत्कृष्ट बात सुनने के बाद भी जीवात्मा तू तो ज्ञान स्वरूप ही है, तेरा पर पर्याय पर्याय अचेतन भाव से तेरा कोई संबंध नहीं, ऐसी अनमोल वाणी भगवान की ऐसी दिव्य ध्वनि सुनने के बाद भी आज भी तो देखो अपना चित्त जैसा का तैसा कहां लगा, यानी बाहर की पर पर्याय की चिंता में, पर पर्याय की सल में आज भी जो अपने संस्कार है वो संस्कार अज्ञान के संस्कार जैसे के तैसे पुष्ट है भैया। और देखो तो अज्ञान के संस्कार पुष्ट है मतलब अपन उनका पोषण कर रहे हैं, अपन राग भाव से हटना नहीं चाहते, अपन देश भाव से हटना नहीं चाहते, अपन बाहर की झंझट से हटना नहीं चाहते, अपन बाहर की झंझट से हटके बाहर के सल से हटके कि चलो भैया चलो आज भैया खेती का काम भी हो गया, दुकान का काम भी हो गया, मंदिर का काम भी हो गया, लेकिन दुनियादारी का काम चल ही रहा है, चलो चलो ये बाहर की झंझट से हटो और चलो घड़ी दो घड़ी अंतरात्मा में चले, अपने स्वभाव का ध्यान करें भैया, चलो देखो तो भगवान की वाणी को स्वीकार करें, क्या क्या देखो ये दुनियादारी का परिणाम तो घट ही रहा, हमारे जीवन में जितने संयोग है वो तो पूर्व उपार्जित कर्म के निमित्त से है, तो देखो तो जीवात्मा देखो तो कर्मों के उद्देश्य है, अब भी आयु कर्म बिलाएगा हमारा, और ये दिखने वाला दुनिया का परिणाम अपने आप ही आंखों के सामने से ओझल हो जाए, पुत्र परिवार धन दौलत ये सारा परिणाम अब भी आनी थोड़ी देर बाद आंखों के सामने से ओझल ओझल हो जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा,
बताओ तो भगवान आत्मा सुनो तो, जब ये सारा प्रणवन तुम्हारी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, फिर क्या करोगे? क्या नया प्रणवन चालू हो जाएगा? कौन सी गति में जाओ? कौन सी गति में जाओ? नर्क में, निगोद में, यह स्थावर गति में? कौन सी गति में जाओ? कहाँ जाओगे जीवात्मा? कौन सी गति में निवास करोगे? नहीं पता। तो जीवात्मा, हम ये कह रहे हैं कि अच्छी बात, अच्छी खासी बात सुन रहे हो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और भैया सुनते सुनते भी तुम्हें घर के काम में, परिवार के काम में, दुकान के काम के बीच में नदी, मैं आत्मा हूँ ऐसा स्मरण भी आ रहा है। मतलब अब जिनकी जो बहुत दिन में सुन रहा है भैया कि हाँ मैं आत्मा हूँ ऐसा स्मरण भी आ रहा है, लेकिन देखो तो मैं आत्मा हूँ ऐसा स्मरण आने के बाद भी दृष्टि आत्म तत्व पे नहीं है, अभी भी दृष्टि उपयोग के छल पे है। उपयोग छल कर रहा है ना, परिणमन का छल, राग आदि भाव का छल, आत्मा की स्मृति आने के बाद भी दृष्टि आत्मा में रुकने तैयार नहीं है, दृष्टि आत्म स्वभाव को आने लेने तैयार नहीं है। दृष्टि क्या करने तैयार है? दृष्टि मैं आत्मा हूँ ये सब कह तो रहा है जी, चिंतन तो कर रहा है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन दृष्टि अभी भी बाहर के परिणमन में रत होने के लिए तैयार है। पर पर्याय को देखने के लिए लड़ाए थे, अभी भी दृष्टि पर पर्याय और प्रणवन को देखने के लिए पूर्णता लगाए थे, मैं स्वभाव हूं इस चेतन महाशक्ति को स्वीकार करने तैयार नहीं, बिल्कुल भी तैयार नहीं। और क्या चाहिए जी को? मोक्ष। अरे देखो तो, जब दृष्टि अपने निज आनंद स्वभाव को स्वीकार करती है, सावधान, जब दृष्टि अपने निज आनंद स्वभाव को स्वीकार करती है तो वो उस आनंद में रहना पसंद करती है, फिर वो विकारों में रहना पसंद नहीं करती। आप कह रहा हो कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, हम भी कह रहे हैं भैया मैं तो आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। गुरु महाराज कह रहे हैं तू नंद में है, आनंद में है, चयानंद में है, सहजानंद में है, परमानंद में है, आत्मा तो नंद स्वरूप ही है, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? लेकिन देखो तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मा तो नंद स्वभाव ही है, लेकिन देखो तो जानने के बाद, सुनने के बाद मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ ऐसा सुनने के बाद भी वहां जाके दृष्टि रुकने तैयार नहीं है। आत्मा का स्मरण भी आ जाए, देखो मैं तो आत्मा हूं, लेकिन फिर भी दृष्टि महा लेने तैयार नहीं है, उस आत्मिक सुख को भोगने तैयार नहीं है, उस चैतन्य में आत्मा के प्रकाश को देखने तैयार नहीं है। अभी भी दृष्टि में जो बाहरी प्रणवन चल रहा है ना, राग का, देश का, कसाय का, मन वचन काय का, स्त्री पुरुष का, अभी भी दृष्टि में वो पर पदार्थ ही जैसा का तैसा झलकता हुआ दिखाई देगा। दृष्टि अपने स्वभाव में रुकना नहीं चाहेगी, दृष्टि अपने स्वभाव में रुकना नहीं चाहेगी, दृष्टि उस स्वभाव पे जमी क्या बोलते हैं जम नहीं पाएगी। ये याद कर लोगे आप, मैं आत्मा हूँ, ये याद कर लोगे और वापिस जैसी की तैसी धारा चल रही है, वापिस बेसिक बेसिस में रहने लगो। भाई देखो, जिन्हें मैं आत्मा हूँ याद आने लगा वो भी कोई सामान्य बात नहीं है, ये भी बड़ी मुश्किल से हुआ, लेकिन थोड़ा कहना हो जाए तो काम। मैं आत्मा हूँ जो याद आ रही है ये बड़ी मुश्किल से हुआ, अनंत काल बीतने के बाद हुआ, लेकिन जो मैं आत्मा हूँ याद आ रही है, लेकिन देखो तो मैं आत्मा हूँ कहने के बाद भी रुचि उस फोन चलाने की है, रुचि वो भी कथा करने की है, रुचि संसार के राग आदि भाव में रमने की है, रुचि यहाँ वहां के प्रपंचों में सल विकल में उलझने की है, आनंद स्वरूप आत्मा कहने के बाद भी उस आनंद स्वभाव पे दृष्टि ठहर जाए ऐसी रुचि नहीं है। राग परिणाम में लगी रहा है ऐसी रुचि है, देश परिणाम में लगी रहा है ऐसी रुचि है, रुचि ऐसी नहीं है। देखो तो जब आनंद स्वरूप परमात्मा हो तो हे भव्य आत्मा उस आनंद स्वभाव को देखो ना, पर को देखी क्यों रहा है, पर का विकल्प वही कर रहा है, परिणवन का विकल्प वही कर रहा है, संसार में जो परिणवन चल रहा है, संसार भाव का जो परिणवन निकल रहा है स्वतंत्र, उस स्वतंत्र परिणवन में ठहरी क्यों रहा है, क्यों महारुचि जा रही है, अज्ञान भाव में रुचि क्यों जा रही है? तुम तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हो ना, सिद्ध स्वभावी आत्मा हो ना, तुम्हारे अंतर में तो तुम्हारा ज्ञायक स्वभाव विलस रहा है कि नहीं?
तुम्हारे अंतर में तुम्हारी अतीन्द्रिय शक्ति है कि नहीं, और सर्वज्ञ जनन भगवान कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं कि तू स्वयं सिद्ध भगवान है। जब वो आनंद स्वभाव तुम्हारे अंतर में, वो परम आनंद का सहकार जब तुम्हारे अंतर में हो रहा है, तो फिर अज्ञान मानता वो लज क्यों रहा है? क्यों क्यों पर पदार्थ में, पर पर्याय में पूर्णता से रुचि डूबी हुई है? क्यों अपने परम कारणा में, ज्ञान भाव में अपनी आत्मशक्ति का बोध क्यों नहीं आ रहा? देखो 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 देखो, मैं तो वो ध्रुव आत्मा ही हूं, मेरा इन पर्याय से कोई संबंध नहीं। वहां दृष्टि रुके, ठहरे, ठहराव लाए। अरे अरे देखो तो, वो दृष्टि का ठहराव कब आएगा? जब अज्ञान मानता है विध्वंस संगीत तब आएगा, जब बाहर में कर्तव्य की भावना टूटेगी, जब बार बार भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वरूप अपने चित्त में चिंतवन में बना रहेगा, तब तब दृष्टि का ठहराव आएगा, जब दृष्टि रुकेगी वहां। अभी तो देखो तो, अभी तो जीव का ये उपयोग उस परिणमन को स्वतंत्र स्वीकार करने तैयार ही नहीं। अभी तो जीव का ये उपयोग उस परिणमन में राग द्वेष करके सुखी दुखी होने के लिए लड़ाए थे। मन अनुरूप परिणमन हो रहा है सुखी, और मन अनुरूप परिणमन नहीं हो रहा तो दुखी। अभी जीव का उपयोग उस ज्ञान मात्र स्वभाव में रस लेने तैयार नहीं है। अभी जीव का उपयोग कहाँ काय के लिए तैयार है? अभी जीव, अभी भी जीव का उपयोग इंद्रिय विषयों का भोग करने के लिए तैयार, राग देश कसायों का उपभोग करने के लिए तैयार। जबकि पता है यदि मनुष्य भाव बीत गया तो दोबारा ऐसा अवसर प्राप्त होने वाला भी नहीं। यदि हमारी मायाचारी में या हमारी कसाय में या हमारे नाना प्रकार के विकल्पों में यदि हमारा ये मनुष्य भाव निकल गया, यदि हमारा ये मनुष्य भाव इन नाना प्रकार के विकल्पों में निकल गया, इन नाना प्रकार की अज्ञान मानताओं में निकल गया, तो दोबारा ये मनुष्य भाव प्राप्त होने वाला नहीं। पता अच्छे से, यदि अपन यदि अपन एक इंद्री दो इंद्री पर्याय में यदि अपन एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री पर्याय में चले गए, तो वहां से रिटर्न का टिकट ही नहीं है वापस आने का। किसका विचार तो करके देखो, यदि इस समय जिनेन परमात्मा की वाणी का अभ्यास नहीं किया और इस इन जिन वचनों का अभ्यास करके अपने अंतर के पुरुषार्थ को जागृत नहीं किया और इस सत्य के बोध को नहीं जगाया कि देखो तो देखो तो देखो तो वो जिस सिद्ध स्वभाव की चर्चा अपन सुन रहे हैं वो सिद्ध स्वभाव मेरा ही है। अब जब मेरा ही है तो जीवात्मा इन पर पर्याय में दृष्टि लगाई क्यों रहा है? पर पर्याय में उपयोग लगी क्यों रहा है? अपने सुख स्वरूपी आत्मा का आनंद क्यों नहीं चख रहा है? अपने अंतर में जो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है इसका आनंद क्यों नहीं चख रहा है? इसका रस क्यों नहीं आ पर पर्याय में लगा भी? अरे बार बार क्या कह रहा है भैया? देखो दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाएगी। यदि इस जीव की दृष्टि इन पर पर्याय से हट जाए, बाहर के होने वाले पुद्गल परिणमन से यदि इस जीव की दृष्टि हट जाए, तो इस जीव की दृष्टि बाहर के पुद्गल परिणमन से हटते ही इसकी सारी सृष्टि अपने आप ही ऑटोमेटिक बदल जाएगी। दृष्टि आनंद स्वरूप पे जाएगी तो ये संसार का सारा सुख दुख, काल्पनिक सुख दुख अपने आप ही दृष्टि से मिला जाए। अपने आप ही ये कर्तृत्व के दुख, भोक्तृत्व के दुख, राग देश के दुख, होने वाली नाना प्रकार की अज्ञान मानताओं की पीड़ा सब अपने आप मिला जाएगी। शिवात्मा सुनो तो, अज्ञान बिलाएगा तो ही दुख बिलाएगा, अज्ञान नहीं बिलाएगा तो क्या चाहते हो? संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो? ऐसा लगता है कि हमारा जन्म मरण का दुख खत्म हो जाए, भूख प्यास का दुख खत्म हो जाए, ये सर्दी गर्मी का दुख खत्म हो जाए। कब तक भूख प्यास सर्दी गर्मी ये दुनियादारी के विकल्प में नाना प्रकार के दुखों में कब तक हमारा जीवन व्यतीत होगा? चाहते हो कि हमारे सुख दुख का, ये संसार में जो सुख दुख हो रहा है ये सारा सुख दुख बिला जाए?
चाहते हो कि नहीं? ऐसे जीव जीवात्मा यदि तुम ये यदि तुम ये चाहते हो कि सारा सुख दुख विलायमान हो जाए, सब खत्म हो जाए, क्या करना पड़ेगा? अरे भगवान जी, जब इस संसार से अपनी दृष्टि हटाओगे, जब इस परिणाम से अपनी दृष्टि हटाओगे, तभी तो इस संसार के काल्पनिक सुख दुख खत्म होंगे। और पता, यदि इनमें ही सुखी दुखी होते रहोगे और अपने स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं पलटेगी, तो बताओ भगवान जी, ये अज्ञान मालताएं कब टूटेंगी? ये अज्ञान परिणाम से ये जीव कब मुक्त होगा? कब जीव को ये बोध आएगा? भैया सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो, अरे जीवात्मा कहाँ अपना उपयोग लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, सुनो तो। क्या क्या सुने, क्या सुने? अरे तुम स्वयं सिद्ध भगवान हो, एक बार दृष्टि लेके तो जाओ वहां। भैया हमें तो दिन भर अपने आत्मा की याद बनी रहती। अच्छा, कैसे याद बनी रहती? दिन भर अपने आत्मा की याद बनी रहती है तो जीवात्मा इन परिणाम इस बाहर के परिणाम में रस कैसे आता है? देखो भैया, जिसे आत्मा का बोध है उसे अज्ञान का रस कैसे आ सकता? दो काम एक साथ नहीं हो सकते, दो काम एक साथ नहीं हो पाएंगे। भैया क्या दो काम एक साथ नहीं हो पाएंगे? कि जीव को पर पर्याय में रस भी आता रहे, पर पर्याय में अनुरक्ति वही रहे, पर पर्याय का आनंद भी लेता रहे। और ये कह भैया, हमें तो अपने आत्मा का स्मरण है। ऐसा नहीं हो सकता कि पर पर्याय का रस भी लेते रहो और ये भी कहते रहो हमें तो अपनी आत्मा का स्मरण है। ऐसा नहीं हो सकता। तो भैया फिर क्या करना पड़ेगा? अरे पहले अंतर से, पहले वस्तु के स्वभाव को, स्वतंत्र परिणाम को स्वीकार तो करके बताओ। ये इस जगत का त्रिकालवर्ती जो परिणाम चल रहा है, जब वो स्वतंत्र है, तो फिर तुम यहाँ अपनी कर्तव्य बुद्धि अपनी आड़ पेच लगाई क्यों रहे हो? क्या करें भैया, घर में रजाई ओढ़ के सो जाए क्या? अरे भगवान जी, यही तो कह रहा है, ये रजाई ओढ़ के सोने का मार्ग भी नहीं है। तो फिर होते हुए परिणमन को स्वतंत्र स्वीकार करके अपनी चैतन्य मात शक्ति का बोध जगाने का मार्ग, विश्वास का मार्ग। भैया काय पे विश्वास का मार्ग है? यहाँ सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की वाणी पे हमारा विश्वास प्रकट हो जाए। क्या विश्वास प्रकट हो जाए? कि जब सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं कि ये जीव, ये चेतना शुद्ध है तो शुद्ध है। अब इन विकारी चलने वाले जो परिणाम है ना, कर्म उपाधि से जो संयोग मिल रहा है, इन कर्म उपाधि जन संयोगों में, भैया सुनो तो, जीवात्मा राग देश की छल रूप प्रवृत्ति होती है ना, इससे जुड़ान तोड़ो, इससे जुड़ान तोड़ो। राग देश रूप छल हो रहा है कि नहीं हो रहा? अज्ञान मानता हूं कारण से राग देश में छला जा रहा कि नहीं छला जा रहा है? राग देश का छल हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरी आत्मा के साथ? अच्छा था, अज्ञान के कारण से ये राग देश के छल में मैं उलझा हुआ, ये बात तो पक्की है। यदि अज्ञान मानता नहीं होती, यदि मेरे अंतर में अज्ञान जन्य मानता नहीं होती, तो इस राग आदि परिणमन में, राग देश के परिणमन में, अर्थात बाहर के संयोगी परिणमन में मेरा जुड़ाव नहीं हो सकता। तो इतना सा बताओ भैया, अज्ञान मानता है कारण ही जुड़े हो ना, अज्ञान से मान रहा है उस परिणमन को कुछ, अज्ञान से इस परिणमन को कुछ मान रहे हो इसलिए जुड़े हो ना। और यदि इस परिणमन को कुछ नहीं मानोगे तो कैसे टाइम कट? चप्पा, यदि हम इस बाहर के परिणमन को कुछ नहीं मानेंगे तो हमारा टाइम कैसे कटेगा? ऐसे कटेगा ना परम आनंद में, अनंत चतुष्टय के आनंद में। सिद्ध भगवान जैसे अनादि अनंत अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन है, वैसे आनंद में कटेगा, अर्थात आत्म चिंतन में कटेगा, वस्तु स्वभाव के निर्णय में कटेगा, सर्व भगवान की वाणी का चिंतन करके स्वाध्याय में कटेगा, भेद ज्ञान में कटेगा, आत्मा के स्वरूप में कटेगा।
जो चिंताओं में दिन निकलता है वो आत्मचिंतन में निकलेगा, परिणाम तो रुकेगा नहीं। आप करो या ना करो वो तो परिणाम तो अपनी योग्यता से जैसा चल रहा है वैसे चले। संसार किसी का इंतजार नहीं करता, संसार का सारा परिणाम तो अपनी योग्यता से चलता है। संसार किसी के रुकता है क्या? कितने चलेगा तो नहीं रुका, और कितने चले जाएंगे तो नहीं रुकेगा ही। तो ये संसार तो अपनी खास ही नहीं ऐसे क्या कहना है, ये संसार तो अपनी क्रमबद्ध धारा से चलता है, तो संसार किसी के रुकता है क्या? फिर जब होता तो जब ये संसार किसी के लिए नहीं रुक रहा, क्योंकि संसार क्रम संसार, जब ये संसार किसी के लिए नहीं रुक रहा, संसार अपनी क्रमबद्ध धारा से निकल रहा है, तो जीवात्मा 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 हम संसार को क्यों पकड़े हुए हैं बताओ जल्दी। जब संसार अपनी क्रमबद्ध धारा से निकल रहा है, अपनी स्व समय की योग्यता से संसार का परिणाम हो रहा है, बताओ तो जीवात्मा हम इस संसार को क्यों पकड़े हुए हैं? क्यों पकड़े हैं? क्यों पकड़े हैं? क्योंकि आत्मा अपने को अपना आनंद स्वरूप आत्मा स्वीकार नहीं हो रहा ना भगवान जी, अपनी दृष्टि इस आनंद स्वभाव आत्मा में नहीं ठहर रही ना। अरे ये अनमोल जीवन, ये जीवन के अनमोल क्षण अपने को अंतर में इन जिनेन भगवान के वचनों की महिमा नहीं आ रही ना, ये भगवान आत्मा देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो क्या कि तुम्हें तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं शुद्ध है बुद्ध है, ऐसे वीतराग तत्व का बोध कराने वाली देखो तो भगवान की अमृत में वाणी प्रकट हो गई। वो जिन वचनों की महिमा नहीं आ रही ना, भगवान के द्वारा कहे हुए वो जिनेन भगवान के द्वारा कहे हुए वो वचन अनुभव में प्रकट नहीं हो रहे ना, स्वीकारता में नहीं आ रहा है ना। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, देखो तो क्या लग रहा है, देखो तो ऐसा लग रहा है कि कहीं विषय कसा हमसे छूट ना जाए, कहीं खाना पीना हमसे छूट ना जाए, कहीं ये इंद्रियों के विषय ये भौतिक सुख सुविधा हमसे छूट ना जाए, ऐसा लग रहा है कि देखो अभी राग तो कल, अभी तो राग कर लो भैया, राग कर लो, अरे आत्मा का स्मरण करो, राग कर लो राग कर लो राग कर, अरे आत्मा स्मरण करो, नहीं 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 द्वेष वो अंदर में चिंता सल वो पक्का निर्णय है कि द्वेष कसाय आत्मा के लिए अनिष्ट का मूल है, आत्मा का पतन करने वाली है। इसके बाद भी देश 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 बुद्धि रख लो, पता है कि जीव एक एक पत्ता नहीं हिला सकता, फिर भी कर्तव्य 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 बुद्धि, या हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? परिणाम बदलने की चेष्टा, वो परिणाम को उलट फेर करने की चेष्टा, और भैया मैं ही तो परिणाम को भोगने वाला हूँ ना, भोगता इस परिणाम का फल मैं ही तो भोग रहा हूँ, राग का रस में ही तो ले रहा हूँ, खटाई मिठाई में ही तो खा रहा हूँ, खट्टा मीठा कसायला सुखी दुखी ये सारा फल मैं ही तो भोग रहा हूँ कि नहीं भोग रहा, मैं ही तो भुगतान कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा है सब, खट्टा मीठा चिपरा नमकीन ये सब कौन भोग रहा है, कौन ले रहा है स्वाद? एक तो करता ऊपर से भोगता। भगवान आत्मा जब तक करता बनेगा तब तक भोगता तो रहेगा ही, क्या करना है भैया? ऐसा लग रहा है भाई थोड़ा राग तो कर लें दो, अनादि काल से कर रहा तृप्ति नहीं, थोड़ा द्वेष तो कर लें दो, थोड़ा क्रोध तो कर लें दो, थोड़ी मायाचारी तो कर लें दो, थोड़े लोभ लोभ के संस्कार में रत तो रहने दो। ऐसा लग रहा है जैसे अनादि काल से कभी राग नहीं किया हो, मोह नहीं किया हो, द्वेष नहीं किया हो,
क्रोध नहीं किया हो, काम नहीं किया हो, माया नहीं करी हो, इन नाना प्रकार के जो चार कसाई का परिणाम है, ऐसा लग रहा कभी करे ना हो, ऐसा लग रहा भैया भैया मैं आत्मा तो हूँ, आत्मा तो हूँ, आत्मा तो हूँ, लेकिन भाई थोड़ी राग दिश तो कर लें दो। इतनी जल्दी आत्मा को स्वीकार कर लिया हमने, और कहीं हम इसी भाव से कहीं मोक्ष मोक्ष चले गए तो अभी हमने आत्मा तो मान ही लिया, अब आज नहीं तो कल तो चले ही आए, अभी थोड़ा सा संसार का मजा भी तो ले लें दो, राग कर लें दो, द्वेष कर लें दो, माया मायाचारी कर लें दो ना, तो थोड़े ये परिणाम इन अज्ञान भाव में रत भी तो रहें दो। ऐसा लग रहा है कि हम कहीं से छूट ना जाए, हमारा पिंड ना छूट जाए कहीं से, राग से, कर्तत्व से, भुक्तत्व से, इन कसायों से, इन बाहर के परिणाम से, कि हमारा पिंड ना छूट जाए। कहा भाई ऐसा काय लग रहा हो, वो अज्ञान मानता, इसे कहते हैं अज्ञान। ये जीव को इतना गहरा वस्तु स्वरूप जानने के बाद भी कि तू सिद्ध है, शुद्ध है, वीतराग अनंत चतुष्टय में चेतन शक्ति का स्वामी है, ऐसी उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान की महिमा सुनने के बाद भी देखो तो अज्ञान मानता हूं मैं, जीव का रस पड़ा, अज्ञान मन की मानता में राग देश कसाय में जीव का रस पड़ा हुआ, और जीव राग और द्वेष परिणति करने तैयार है, लेकिन अपने ज्ञायक स्वभाव निष्प्रय चैतन्य में अपने ज्ञायक स्वभाव को देखने तैयार नहीं है। ऐसे कहो कि अरे जीव 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 अपनी दृष्टि अपने आनंद स्वभाव पर जमा, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि जमा, क्या कहेगा, क्या कहोगे, ये कह दो हाँ भाई हमें तो आत्मा ज्ञान, और ये बाहर में रस ये तो परिणवन चल रहा है, अरे परिणवन को कौन मना कर रहा है, रोक कौन रहा परिणवन को, रस 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 रुचि कौन ले रहा है उसमें, पसंद कौन हो रहा है उस परिणवन में, उस परिणवन में आकुलता व्याकुलता किसको हो रही है, या होने वाले परिणवन में आकुलित कौन हो रहा है, अभी हम तो नहीं हो रहे, बस अपन नहीं हो रहा तो फिर कोई चर्चा ही नहीं है। यदि बाहर के चलने वाले परिणाम में अपने कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा और बाहर का परिणाम एकदम स्वतंत्र घटता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो अपने ज्ञायक स्वभाव का निर्विकल्प आनंद ही है। लेकिन भाई ऐसा नहीं हो पा रहा अभी वर्तमान भूमिका में, ऐसा नहीं हो पा रहा, क्या नहीं हो पा रहा, आत्मा का स्मरण होने के बाद भी आत्मा की दृष्टि नहीं रुक रही, और जिन्हें स्मरण नहीं उनका क्या होगा ये सोचो, जिन्हें वर्तमान में आत्मा का स्मरण है, जो वस्तु स्वरूप को जान रहा है, जो स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, उन जीवों को आत्मा का स्मरण होने के बाद भी और आत्मा का अनुभव करने के बाद भी आज भी उन जीवों की दृष्टि उस आत्म द्रव्य पे आनंद स्वरूप भगवान आत्मा पे नहीं रुक रही। ये हालत तो आत्मार्थी जीवों की है, समीचीन एक बार जिन्होंने सम्यक को प्राप्त कर लिया तत्काल श्रद्धा उनकी है, भगवान जी सुनो तो जिन्हें अभी तक आत्मा का स्मरण ही नहीं आया उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा होगी, जिन्हें आत्म अनुभव हो गया उनका तो आत्मस्मरण है, उन्हें तो वो आत्मा की प्रतीति है, लेकिन जीवात्मा जिन्हें इतनी उम्र निकलने के बाद भी अभी आत्मस्मरण नहीं आया उनका क्या होगा। अब जब अपनी हालत कैसी है कि आत्मस्मरण होने के बाद भी तत्व चर्चा करने के बाद भी तत्व को इतनी गहराई से जानने के बाद भी आज भी तत्व पे दृष्टि रुकने का नाम नहीं ले रही, आप कह दो आनंद ले लो जरा समय का थोड़ी देर, वो बिल्कुल नहीं होगा, कहो कि अरे देखो कसाय का भाव चल रहा है तो छोड़ो छाड़ो अपने स्वभाव पे दृष्टि टिकाओ, नहीं हो पाएगा ये। हाँ ये कहो कि भाई चलती हुई कसाय में आत्मा को याद कर लो, इतना बल तो आ गया है कि अपन चलती हुई कसाय में भी आत्मा को याद कर ले, इतना तो हो गया, चलती हुई कसाय में भी अच्छे जम से कह सकते हैं कि हाँ मैं स्वभाव हूँ,
लेकिन माँ उस कसाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे अभी भी। ये बात कह तो देंगे कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन उस पंडवन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? ओ ले लो अज्ञान मानता हूँ रस। जीवात्मा जब तक इस चैतन्य में इन अज्ञान मानताओं का रस पड़ा है ना, अज्ञान मानताओं को राग देश की प्रणति को जब तक भोक्ता पने की दृष्टि से जीव भोग रहा, तब तक स्वभाव में दृष्टि रुकेगी भी नहीं। बस आनंद स्वरूप भगवान आत्मा पे दृष्टि रुकेगी भी नहीं। और जीवात्मा सावधान, जब तक अपने आनंद स्वरूप परमात्मा पर दृष्टि नहीं रुकेगी, अपने ज्ञान भाव को अपनी दृष्टि में नहीं देखेंगे, तब तक जड़ जड़ में डूबे रहेंगे। जड़ संसार, जड़ ये संसार जड़। और जब तक अपनी दृष्टि अपने स्वभाव में नहीं रुकेगी, इस जड़ में ही डूबे रहोगे जी। अनादि काल से डूबा ही है जी, और अनंत काल तक इस जड़ मानताओं में डूबे रहोगे। जड़ मानता में ही अनंत अनंत काल निकल जाएंगे, मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा जी। क्या करना है निगोद जाना, और क्या करना है? डर लग रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जू भी नहीं रेंग रही, या जू भी नहीं रेंग रही, या डर लग रहा, दो में से एक काम हो सकता। अब ये अपन अपनी अपनी जान, अब ये क्या हो रहा है? देखो हकीकत, हकीकत का सामना तो करो। जागृति किसे कहेंगे, साधक किसे कहेंगे, जी को पुरुषार्थ किसे कहेंगे आप, साधना किसे कहोगे, साधक किसे कहोगे? अब साधक किसे मानो, जो इन अज्ञान मान्यताओं से छूट के अपनी दृष्टि अपने स्वभाव पे केंद्रित करे, अपनी दृष्टि को अपनी दृष्टि में अपने स्वभाव को साधे, उसे साधक कहोगे, उसे पुरुषार्थ कहोगे, नहीं कहोगे? जो जीव इन अज्ञान मान्यताओं को तड़ातड़ तोड़ के, अज्ञान मान्यता रूप राग परिणाम है कि नहीं, अज्ञान मान्यता रूप देश परिणाम है कि नहीं, जो जीव इन अज्ञान मान्यताओं रूप राग देश परिणामों को तड़ातड़ तोड़ता हुआ, इन सुख दुख की काल्पनिक मान्यताओं को तोड़ता हुआ, जो जीव अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार करे, अर्थात अपनी दृष्टि को अपने वीतराग स्वभाव पे साधे, तो पुरुषार्थ, तो साधक, तो साधना। जब आप साधो योग को अपने में, तो साधना, और साधो ही ना, और बल्कि आत्मा को भूल के और पाप से कसाय में गाफिल हो जाओ, तो फिर क्या, फिर क्या, फिर विराधना, फिर साधना बाधना नहीं, फिर विराधना। काय की विराधना, काय की विराधना? मनुष्य मिला है आत्म कल्याण करने के लिए, कहने के लिए नहीं है। यदि आत्मा की बात सुन के, समझ के, स्वीकार करके, यदि आत्म स्वभाव के सन्मुख होने का अभ्यास नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है विराधना। अब पता, साधना की विराधना। बोले भगवान जी, विराधना या साधना? और अपन कर क्या है, साधना। देख लो बार बार अपने आप को कम से कम चिंतन करके अपनी अंतर की पिटाई तो करो। ज्ञान मानता हूं कि जीवात्मा, ये मनुष्य भाव, सर्वज्ञ की वाणी, और ये जिनेन भगवान का शुद्ध उपदेश मिलने के बाद भी यदि तुम अपने आप में सचेत नहीं हो रहा है, सावधान नहीं हो रहा है, और अपने आत्म स्वभाव को बोध नहीं जगा रहे,
तो तुम सरासर अपना समय इंद्रिय विषय भोग में खो रहे हो, बाहर के संयोगों में अपना समय खो रहे हो। तुम सरासर इस मनुष्य भाव को प्राप्त करने की, जन्माणी को प्राप्त करने की, और आत्म अनुभव यदि प्राप्त कर लिया है तो आत्म अनुभव को प्राप्त करने के बाद भी तुम अपने स्वभाव की विराधना कर रहे हो, आराधना नहीं कर रहे। एक एक समय तुम्हारा आत्म तत्व की विराधना में जा रहा है। यदि उसका स्मरण भी नहीं है तो विराध नहीं हो रही, स्मरण भी नहीं है तो, स्मरण है तो चलो फिर भी मान ले रहा है कि कुछ अंश तो पुरुषार्थ है। लेकिन जब तक दृष्टि महा नहीं सदेगी तब तक साधना नहीं होगी, ये बात तो। जब तक दृष्टि में अपने उपयोग में, अपनी दृष्टि में जब तक वो जब तक वो वीतराग ज्ञायक स्वभाव नहीं आएगा तब तक उसकी आराधना नहीं होगी। आराधना सिर्फ प्रार्थना होगी भी। क्या करना है इस भाव के बाद? नरक है इस भाव के बाद? मच्छर मक्खी निगोद कहाँ? चलिए बता, जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया वो तो निश्चिंत है। क्यों निश्चिंत? अरे पता है हमारी वैमानिक देव की अभी बन नहीं, कुछ हो नहीं। और जिनको भैया जिनको नहीं हुआ उनका क्या होगा? क्या होगा यदि आत्म अनुभूति नहीं हुई और अभी भी स्वभाव अपनी दृष्टि में नहीं है तो क्या होगा? क्या भाई हम तो सब अनुभव वाले हैं, क्या हमें टेंशन है? इसलिए तो आत्मा को भूल के बैठेंगे ना, है ना। अब तो उसको एक बार अनुभव कर लिया, इस पंचम काल में हमने तत्व का श्रद्धान करके लाइसेंस ले लिया, काय का मुक्ति का, है ना। अब कोई टेंशन ही नहीं। इसलिए तो राग में, देश में, कसाय में, मनमानी में, अपने अनुसार विभाव परिणाम जो संस्कार चल रहा है इन्हें एकदम निश्चिंत होकर आराम कर रहे हैं। क्यों? तो ये पता है ना अब अपना कुछ बिगड़ने वाला है। लेकिन भगवान जी संस्कार गहरे हो रहे हैं, ज्ञान मानता हूं कि संस्कार गहरे हो रहे हैं वापस, ये बात तो पक्की कि अगला भाव नहीं बिगड़ेगा। लेकिन भगवान जी आगे के भाव तो बिगड़ जाएंगे कि नहीं? यदि मान लो यही अज्ञान मानताओं का रस देव गति में भी पड़ा रहा तो फिर कहाँ जाओगे? तो भाई देव भी मर के नरक तो जाते ही नहीं। अरे तुरंत नहीं, अगला बार फिर मनुष्य कहीं मिले? मनुष्य नरक तो जाना नहीं, देव को धोनी तीन नदी में भी जाना नहीं, तुरंत क्या करेगा? अगला भाव भी क्या मिलेगा? क्या फिर मनुष्य का मिलेगा? क्या करेंगे? करेंगे फिर तो ये हो सकता, लेकिन संगी पंचेंद्री तो होगा ना महा, फिर समय दर्शन की अनुभूति वापस पटाएंगे और फिर वापस चलेंगे मोक्ष, है ना। अरे जो सीधा सीधा मार्ग यही बन गया है, समझो चलती बिरिया आखिरी बात ऐसी बात मां, जो सीधा सीधा मार्ग यही बन गया है, सीधी सीधी अनुभूति का प्रसंग जब यही बन गया है, सीधा सीधा जब अपना स्वभाव अपना ज्ञायक तत्व अपने अनुभव में आ रहा है, तुमसे थोड़ी मना कर रहा है कि तुम खाना पीना छोड़ दो, मन की इच्छाओं की पूर्ति मत करो। अरे ये कह रहा है वो तो थोड़ी देर मन का जो काम है वो थोड़ी देर चल रहा है, थोड़ी देर चल के छोड़ दो उसे। अरे तुम खा लो अच्छा पेट भर के, का खाना है अच्छे पेट भर के भोजन कर लो भाई। लेकिन भैया पेट भर के भोजन करने के बाद तो भजन कर लो, नहीं भाई पेट भर के भोजन करने के बाद नींद आती है भैया, अब पेट भर के भोजन कर लिया तो भजन कैसे होंगे? अब तो सोएंगे भैया, हम पेट भर के भोजन करने मना नहीं कर रहे। अरे पेट भर के भोजन करने के बाद तो भजन करो कि नहीं? अब पेट भर के भोजन कर लो, अब सो जाओ भैया, अब सो के उठ गए तो फिर पेट भरने के लिए फिर कमाने चलो। अरे भगवान जी सात पीढ़ी बैठ के खाए तो है, टेंशन काहे को ले रहे? इतना सब है कि 50 साल तक भी और बैठ के खाओगे तो बढ़ाने वाला नहीं है। लेकिन भगवान जी, ए भगवान जी और का चाहिए?
अरे अपने स्वभाव का तो बहुत जगह, अरे भाई पुत्र परिवार के लिए छोड़ जा रहा है, नाती पंती के लिए छोड़ जा रहा है। अरे भगवान जी, उनके भाग का तुम्हारे छोड़ने से नहीं हो रहा, उनके भाग में होगा तो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा जीव आत्मा, तुम्हारे करने से कुछ होने वाला नहीं, सावधान भैया। हम तो मंदिर में दान देने के लिए कमा रहे। अरे भगवान जी, क्यों मायाचारी कर रहा है? अरे करने का रस पड़ा हुआ है, धन का लोभ पड़ा हुआ है, इसलिए कमा रहा है, ये कहो ना। रियस के लिए दे रहा है। सीधी बात, तो क्या करना है? जीवात्मा सावधान 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 सावधान। तो बात बहुत सारी हो गई, एक मुद्दे की बात क्या, उदाहरण भी बहुत सारे दे दिए, समझाने का प्रकार भी बहुत तरीके से कह दिया, कहा तो बहुत कुछ है भैया, लेकिन सार क्या है? कब तक अज्ञान मानता में फूले रहोगे भगवान जी? एक तो अज्ञान मानता में फूले हुए हो, ऊपर से आत्मा आत्मा चिल्ला रहा है, या तो आत्मा आत्मा चिल्लाना बंद कर दो, फिर पूरे मिथ्या दृष्टि हो जाओ, या तो आत्मा आत्मा कहना बंद कर दो तुम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब पूरी धरती पलट जाए, हम आत्मा के अलावा कुछ और कहेंगे नहीं। अरे भगवान जी, जब इतने ही पक्का विश्वास है ही कि मैं आत्मा हूँ, अरे तो फिर पर पर्याय में दृष्टि लगाना बंद कर दो, क्योंकि मैं भाव नहीं छोड़ सकता। ना हम आत्मा को छोड़ सकते और ना हम इन राग आदि के सहाय इनको छोड़ सकते, क्या करें? बीच का रास्ता निकाल दो कुछ। आखिरी बात है भैया, बिल्कुल आपके मतलब की बात है, तो फिर हम बीच का रास्ता निकाल दें क्या? है हमारे पास तो बीच का। बता दिल्ली बीच का रास्ता निकाल दें कि नहीं? निकाले कि नहीं निकाले बीच का? क्या पता, आप लोग कहोगे तो नहीं निकाल रहे, और आप लोग कहोगे नहीं भैया निकाल दो, अब बस की नहीं है तो फिर निकाल दे। निकाले कि नहीं? क्या कहा? निकल तो सकता बीच का भैया, निकल तो सकता। हाँ कहा पहले, यदि निकल तो सकता है, रास्ता तो है बीच का, लेकिन चाहिए हो तो बताओ। जामी तो पूछ रहा हूँ, चल को क्या चल को? आपने तो लगा लो, और सामने भाई से पूछो तो वो पे भी चल को क्या चल को? सही बात है, बीच का रास्ता भी निकल रहा है, और अपन उसे स्वीकार ही ना करें, उसको आगे नहीं बढ़े तो फिर क्या मतलब? देखो भैया, अब बीच का रास्ता अब छोड़ दे रहे हैं अपन, कल निकाल लेंगे बीच का रास्ता, अभी निकाल सकते थे क्यों, लेकिन टाइम हो गया। करेक्ट नहीं, सही, बीच का रास्ता बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है, और वो बीच का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा अभी मध्यस्थता की भूमिका में, क्योंकि स्वभाव पूरे समय दृष्टि रहने वाली नहीं। बता तो देंगे, एक शब्द में बता देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, इस समय पूरे समय स्वभाव पर दृष्टि रहने वाली नहीं है। अपन सोचे कि इतनी ऊंची अपन चर्चा कर ले, ऐसा नहीं कि अपनी दृष्टि वहां टिक जाएगी, लेकिन भैया जब मौका मिले तब मत छोड़ो। संस्कार तो संस्कारों का प्रणमन तो अपनी योग्यता अनुसार चले, लेकिन जब मौका मिले तब चौका मारने से मत चुको, और इसी भावना को बढ़ाओ निरंतर, अपने स्वभाव की इसी भावना को बढ़ाओ, जब स्वभाव की इसी भावना को निरंतर बढ़ाओगे तभी आत्मा कल्याण होगा। इस पर विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। बोले श्री गुरु महाराज की जय। नमस्तु परमित नमियो शेख शोभा।
गुरु वेशे गोपति रोई गोपति ज्ञान शहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म जो तो जिन वरी अर्थ दिया।